अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। बैड न्यूज़, मेरा ब्रश टूट गया है, लेकिन मैं अब इसके साथ करूँगी क्लीनिंग और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। मैंने कहा चलो इसके साथ क्लीनिंग करके देखते हैं कितनी अच्छी होती है या नहीं होती। सही है, अच्छी हो रही है। वो ग्रीन वाला ब्रश भी है मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा था इस दफ़ा ना इसके साथ करती हूँ। ये ना बहुत जल्दी जो है ना डस्ट निकालता है, वो ख़राब हो गया है। ये देखें, मैं दीवारें भी साफ़ कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग, भाई रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे लिए क्लीनिंग कर दे, मेरी सब्सक्राइबर थी, पता नहीं उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन जनाब मैंने आपके लिए क्लीनिंग ब्लॉग जो है ना वो रिकॉर्ड करने लगी हूँ। उसी देख लेना तो दस देना कैसा होया, ठीक है। स्लैब्स जो है ना इंशाल्लाह हम बनाएंगे गर्मियों में, ठीक है, सीमेंट मंगवा के। आप लोग पूरा पूरा व्लॉग देखा करें ना, फिर अर्निंग अच्छी होगी तो फिर मेरे पास पैसे आएंगे, फिर मैं स्लैब्स बनाऊंगी, ठीक है। जो नहीं देखता वो भी पूरा पूरा देखे। ये इसको मैं पड़े चुप के रख देती हूँ, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी मैस। ये इसके पास कर देते हैं क्योंकि ये गोल्डन सैंड का टेक्सचर है। बाल अगर आए तो यूं कर देते हैं, ब्रश को घुमा देते हैं, ठीक है। ट्राईपॉड को भी पासे कर देते हैं, ये इसका टेक्सचर है तो हम इसको इस पासे कर देंगे, बाकी रेड वाला रेड के पासे। लो जी, ठीक है, यहाँ से जगह साफ़ ही थी, मैंने टेक्सचर्स अरेंज किए थे तो मैंने ये जगह सारी साफ़ कर ली थी। अब हमने वहाँ से सफाई करनी है जहाँ पे वाकई गंद है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से सफाई करते हैं, डस्ट चेक करिएगा इसकी। हमें ये मड वाला टेक्सचर तो यहाँ से उठाना, फिर इसके ऊपर डस्ट पड़ेगी। ये उस साइड पे रख दें, इधर वाली साइड पे। ग्रिटी वाला ये वाला यहाँ पर रख दे, हाँ मड वाला इधर रख दे। ये पत्थर है, इसको हम पासे कर देते हैं या फेंकते हैं। ये देखें, ये मड कितनी ज़्यादा वेस्ट होती है ना ऐसे। ये कंफर्टेबल है, एक तो लाइट वेट है ब्रश और दूसरा अच्छा सफाई कर रहा है। आप लोग बताइएगा इस ब्रश से ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है या ग्रीन वाले। मैं कपड़े पासे कर लो, इन पे डस्ट पड़ रही है, इधर वाली साइड पे डाल दें। ये जगह बहुत ज़्यादा जो है ना मड वाली हुई थी, टेक्सचर पड़े थे ना और बारिश भी हुई है। नीचे ही ना चला जाए पाइप में, ये ठीक है। रेड डॉट किधर किधर पहुंची हो, इस ब्रश का ये फायदा, ये पाइप के नीचे से भी बड़ी अच्छी क्लीनिंग करता है। डस्ट चेक करनी है, ये देखें।
मुझे लगता है इस छत पे ज़्यादा हुआ करेगी डस्ट। मम्मा साथ मेरे काम कर रही हैं। ध्यान से हाथ पे ना लग जाए। हैप्पी बर्थडे है, रख ले रख ले। अच्छा आज रिया शर्मा है जी, उनकी आज हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, ये व्लॉग मैं शाम को अपलोड करूँगी। तो हैप्पी बर्थडे मेरी जान, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और डेरों खुशियाँ आपके नसीब में लिखी जाएं, आमीन सुमा आमीन। और एक चीज़ ये कि क्रम्बलिंग जो है ना वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। आज के दिन मैं जो है ना सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट्स कर रही हूँ, ठीक है। और ये आखिरी काम रह गया है सफाई वाला, अभी अरेंजमेंट से प्रॉपर हो जाएंगे देन हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। अभी साथ हम क्रम्बलिंग भी करेंगे। आवाज चल रही है, आराम आराम से करती हूँ। आप ज्यादा गंदी ये पाइप के नीचे जमा बारिश के बाद ना, ये मैं अच्छे से साफ करूंगी जगह। छत बहुत बड़ी है, इतना ज्यादा जो है ना व्लॉग नहीं लंबा बनना। ये वापस पैर पे ही आई जा रही है डस्ट। पानी गिरा लेते थोड़ा सा ताकि ना ज़्यादा ना डस्ट उड़े, क्योंकि भाई सांस में जाती है मेरे। नहीं नहीं रहने दे, इसको लिक्विड है तो ये टेक्सचर्स में डल जाएगा। किसी डब्बे में डाल दे, इसमें डाल दे सारा ये लिक्विड टाइप है, ठीक है ना। इस तरह का ही मड लिक्विड होता है। ओ मैं हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर जो मुझे कहती है मडड, अब तो मौसम भी ठीक हो गया, मडड बनाना सिखा दो यार। यहाँ पे ना रात को पड़ती है बहुत ज़्यादा ओस, ठीक है। कल के मैंने आपको हालात दिखाए थे, कल का ब्लॉग था वो जो पूछ रही थी ना कि आज तो मौसम ठीक था, वो सुबह सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना फॉग हुई थी, तो वो सुबह का टाइम का मंजर था और सुबह सुबह का ही ब्लॉग था कल का, ठीक है। फिर उसके बाद मौसम ठीक हो गया था, तो वो कल का ब्लॉग था। तो आप लोग जो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कि पूरी जगह वो गीली हुई होती है, सुबह आती हूँ ना जब मैं, तो उसकी वजह से तो वो मडड जो है ना वो उसको प्रॉपर गर्माइश चाहिए होती है, लाइक ओवन वाले हीट चाहिए होती है उसको लगातार वाली, और वो गर्मियों में ही मिलेगी उसको, ठीक है। तो आप लोग जो है ना बस थोड़ा सा सब्र कर ले, जब मैं बनाऊँगी, मैंने कहा तो है इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अभी आप स्किप कर दो, थोड़ी देर रुक जाओ, सब्र कर लो, फिर फ़ायदा कोई नहीं है, फिर हार्ड होगा, फिर अपसेट हो जाओगे। ये देखें यहाँ पे ना ब्रिक्स पड़ी होंगी जिसकी वजह से ना ये रेड डॉट भी निकलती है। शाम का टाइम हो गया, मेरा सारा का सारा दिन जो है ना वो छत पे ही गुजरा आज भी।
अभी ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने साफ़ किया और चेक करें इसकी डस्ट, अभी आधी छत पड़ी है। ठीक है, ये तो पीछे करती हूँ, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदा है तो एक दफ़ा ही साफ करती हूँ। यहाँ से भी उठा के ऑयल है, पानी गिर के कितनी गलत गाल कर ली मैं सफाई। मैं पानी को इधर ही रहने थे तो यहाँ से बस आगे आगे कर लेती हूँ। मेरे कपड़े भी गीले हो गए पीछे से, ये जो मड थोड़ी गीली हुई है ना इसको इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि गीली मड मुझे गीली जगह जो है ना उधर सफाई करते करते बहुत खलारा मचता है, मचता नहीं है फैलता है। कपड़े उठाऊँ अब मैं, सारे गीले कर दिए। इसको मैं यहीं पे रहने दूंगी, नहीं तो पूरी छत तक लास्ट तक पहुँचते ना इतनी डस्ट ज़ाया हो जानी है, अजान भी होने लग गई। ले भाई ग्रीन ब्रश नज़र आया, अब इससे करते हैं। इसकी वो साउंड नहीं है जो उसकी है, कोई गल नहीं इससे ही करते हैं। चलो आसान होने लगी है, यहीं पे करते हैं ब्लॉग को एंड, क्योंकि शाम का टाइम है। 12 मिनट का व्लॉग तो वैसे ही बन गया है। ये डस्ट भी ना जमा करके आपको दिखा देती हूँ, बाकी की कल करूँगी। ठीक है, इसको मैं जमा करके ना किसी चीज़ में डाल दूँगी ताकि ये हवा के साथ जो है ना फैले नहीं। बाकी वर्क प्लेस की कल बारी करेंगे। ठीक है, ये था आज का ब्लॉग और मैं जगह आपको दिखाती हूँ। ये वाली जगह थी जिसको मैंने साफ़ किया है, ये पूरी जगह को यहाँ से यहाँ तक ये देखें। ठीक है, वो पानी गिरा। तो ये था आज का ब्लॉग, होप सो कि आपका ब्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा, अभी यहाँ वाली जो है ना साफ़ करनी है। होप सो कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह।